हेलो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आप अपने यूट्यूब चैनल में यूट्यूब वीडियो एआई की हेल्प से अपलोड कर सकते हैं। आज हमारा वीडियो का यही टॉपिक है कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो एआई की हेल्प से किस तरह से अपने चैनल में अपलोड करेंगे। आपके यूट्यूब वीडियो का टाइटल, आपकी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपके उस वीडियो के ट्रेंडिंग टेक्स्ट और यहाँ तक कि सबसे मेन आपके यूट्यूब वीडियो का प्रोफेशनल थंबनेल भी हम एआई से बनाएंगे। मतलब ये चारों चीज़ आप एआई की मदद से बना सकते हैं और अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल में। आपको वीडियो अपलोड करने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आप थंबनेल भी एआई की मदद से ही बनाएगी। ये मैं आपको फुल डिटेल में एकदम लाइव करके बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल ट्यूब में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है, हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो विद द हेल्प ऑफ एआई। तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी वीडियो अपलोड करनी है आप यहाँ पे प्लस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब जैसा आपको नीचे चार ऑप्शन नज़र आएंगे, पोस्ट का, लाइव का, शॉर्ट का और वीडियो का, तो हम यहाँ पर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग वीडियो ले लूँगा। तो मैंने यहां से एक वीडियो चूज़ कर ली है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, ये हमने YouTube वीडियो अपलोड करी है YouTube के ऑफिशियल वेबसाइट से। आप चाहे तो यहां से थंबनेल लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहां से टाइटल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां से डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब का एक एप्लीकेशन भी है वाई टू स्टूडियो, जो हर एक क्रिएटर के मोबाइल में होना चाहिए। तो अब हम अपना सारा काम, टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, थंबनेल लगाना, विजिबिलिटी को पब्लिक करना, वो सारा काम हम वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन से करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है और यूट्यूब की एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। अब आपको अपने फ़ोन में वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर देना है। मेरा वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मैं सीधा कंटेंट में जाऊँगा। उसके बाद जो मैंने YouTube एप्लीकेशन से जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो मेरी यहाँ पे वाई टी स्टूडियो में आ चुकी है। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब हमारा सारा काम यहाँ से शुरू होगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप जो सबसे ऊपर पेंसिल का निशान है उसमें आपको क्लिक करना है। अब हम इस वीडियो का जितना भी काम करेंगे वो AI की मदद से करेंगे। सबसे पहले AI का यूज़ करके टाइटल डालेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसके बाद टैक्स और फिर थंबनेल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको टाइटल देखना है। अब मैं यहाँ पे टाइटल डालता हूँ। अब दोस्तों, ये सारा AI का काम होगा हमारा फेसबुक मेटा AI से। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमने फेसबुक मेटा AI के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। अब दोस्तों, आपको कोई भी दूसरी AI एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक मेटा AI में आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं दोस्तों, जो दूसरी AI वेबसाइट में आपको पेड वर्जन लेना पड़ता था। तो दोस्तों, फेसबुक मेटा AI में हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब सबसे पहले मैं टाइटल डालने के लिए अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करूँगा। उसके बाद आपको राइट में यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। अब आपको टॉप में यहाँ पर मेटा AI का आइकन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना आपकी टाइटल मैं किस तरह से डालूंगा। अब मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में अपनी वीडियो का टाइटल लिखूंगा, जिस टॉपिक में मैंने वो वीडियो बनाई है उसी वीडियो के लिए मैं टाइटल यहाँ से लूँगा AI की हेल्प से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाला है कि सजेस्ट टाइटल इज सुटेबल ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम, माई वीडियो टाइटल इज़ हाउ टू मेक AI टॉकिंग अवतार। अब दोस्तों, आप देखना एक सेकंड के अंदर ही ये मुझे काफ़ी सारे टाइटल सजेस्ट करेगा। अब यहाँ पे इसने मुझे 5 टाइटल सजेस्ट कर दिए हैं और ये 5ों टाइटल ऐसे हैं जो YouTube एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। दोस्तों, मैं इनमें से एक टाइटल कॉपी कर लूँगा और अपनी उस वीडियो में पेस्ट करूँगा। तो मैंने टाइटल वहाँ से जो कॉपी करा है वो यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार और बिल्कुल शॉर्ट में एक टाइटल इसने मुझे दे दिया, क्रिएट योर ऑन AI टॉकिंग अवतार इन मिनट्स। अब हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ।
डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो आपने जो टाइटल लिखा है वो हूबहू यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद दो स्पेस छोड़ना है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम फेसबुक मेटा AI में जाएंगे वापस। अब मैं इसके सर्च बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा। अब ये मुझे एक सेकंड के अंदर इसने मुझे अटेंशन ग्रैबिंग डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा था, राइट ए शॉर्ट एंड अटेंशन ग्रैबिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ टू मेक AI टॉकिंग अवतार। उसके हिसाब से ही इसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब मैं इसे कॉपी करूँगा और अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करके। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो वीडियो बनाई है वो किस टॉपिक में बनाई है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंने अपना टाइटल पेस्ट करा। उसके बाद अबाउट वीडियो में मैंने यहाँ पे 4-5 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब दोस्तों वापस आपको दो तीन स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखना है। दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कीवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन वो भी मैक्स टू मैक्स आप 10 कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा आप कीवर्ड मत डालिएगा और जितने भी टैग्स है वो टैग सेक्शन में ही लिखे। और कीवर्ड आपको वही डालने हैं दोस्तों जिस कीवर्ड के रिलेटेड आपने वो वीडियो बनाई है। अगर आपके वीडियो और कीवर्ड मैच नहीं करा, आपने वीडियो कुछ और बनाई है और कीवर्ड आपने कुछ और डाला है, तो दोस्तों इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब सबसे पहले मैं ये लिखूंगा योर क्यूरीज। अब कीवर्ड भी हम मेटा AI से लिखवाएंगे फेसबुक में जाके। अब कीवर्ड के लिए मैंने प्रॉम्प्ट डाला है सजेस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ऑफ यूट्यूब वीडियो फॉर लो कंपटीशन हाई सर्चेज एंड मैसिव रिजल्ट अबाउट हाउ टू क्रिएट AI टॉकिंग अवतार। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर इसने मुझे एक लो कंपटीशन और हाई सर्चेबल और मैसिव रिजल्ट कीवर्ड दे दिए हैं, जिसने मुझे प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, यहाँ पे सारे कीवर्ड इसने मुझे दे दिए हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कीवर्ड के सामने इसने सर्च भी दिया है। अब मैं यहाँ से 7-8 कीवर्ड लेके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कॉमा करके नहीं लिखने हैं, आपको कीवर्ड वहाँ पर नंबरिंग डाल के लिखने हैं, जैसे अभी मैं डालूँगा। तो दोस्तों मैंने वीडियो के रिलेवेंट कीवर्ड डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं ये मैंने कीवर्ड नंबरिंग में डाले हैं। आपको भी कीवर्ड नंबरिंग में ही डालने हैं। अब दोस्तों आपको एक स्पेस और छोड़ना है और अब यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखना है। डिस्क्लेमर आपको हर वीडियो में डालना ज़रूरी है। डिस्क्लेमर के बाद आप चाहे तो अपनी दूसरी वीडियो का लिंक भी लगा सकते हैं और नीचे आपको हैशटैग भी डालने हैं। 3, 4, 5, 6 हैशटैग आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ डिस्क्लेमर भी डाल दिया है और नीचे आप देख सकते हैं मैंने अपनी दूसरी वीडियो का लिंक भी डाल दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन इसी तरह से डालना है। सबसे पहले आपको अपने वीडियो का टाइटल पेस्ट करना है, उसके बाद अबाउट वीडियो बताना है कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पे है। उसके बाद अगर आप चाहें तो 8-10 कीवर्ड लगा सकते हैं और कीवर्ड आपके नंबरिंग में होने चाहिए। फिर आपको डिस्क्लेमर डालना है। फिर अगर आप चाहें तो आप अपनी दूसरी वीडियो का लिंक भी लगा सकते हैं और नीचे आपको हैशटैग लगाना है। अब फ्रेंड्स हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है जो हमने AI से लिखवाया है। अब आपको 5th ऑप्शन में ऐड टू प्लेलिस्ट में आना है। अगर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो ठीक है, अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप अपनी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट के अंदर स्पेसिफिक वीडियो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो यहाँ पर मेरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, उसमें मैं ये वीडियो डालूँगा। उसके बाद रिसेंट अपलोड वीडियो और यहाँ डन कर दूँगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है वो है हमारा टैक्स। टैक्स को एक बार ओपन करना है। अब सबसे ऊपर ऐड टैक्स में जाना है और टैक्स भी हम सारे के सारे AI से लेंगे, मेटा AI से। सबसे पहले मैं उस वीडियो के लिए यहाँ पे टैक्स के लिए प्रॉम्प्ट डालूँगा एक, और मैंने प्रॉम्प्ट डाला है सजेस्ट अ ट्रेंडिंग टैक्स ऑफ यूट्यूब वीडियो फॉर लो कॉम्पिटिशन हाई सर्चेज अबाउट हाउ टू क्रिएट टॉकिंग AI अवतार। मैसेज मैं सेंड करता हूँ मेटा AI को।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने मुझे टैक्स दे दिए हैं, प्राइमरी टैक्स, सेकेंडरी टैक्स। यहाँ तो आप सिंपली जो मैंने आपको बताया आप यहाँ से टैक्स ले सकते हैं इस तरह से प्रॉम्प्ट डाल के। अगर आप जिस तरह से प्रॉम्प्ट डालेंगे उसी तरह से यहाँ पे आप जिस तरह से प्रॉम्प्ट डालेंगे उसी तरह से यहाँ पे टैक्स ये देगा। तो मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि हाई सर्चेज होना चाहिए, लो कॉम्पिटिशन होना चाहिए, तो उस बेस में इसने मुझे टैक्स दे दिए। अगर आपको यहाँ से टैक्स पसंद नहीं आते हैं, यूट्यूब के लिए एक बेस्ट से बेस्ट एप्लीकेशन है जो YouTube सर्टिफाइड है वो है vidIQ। आप चाहे तो अपने टैक्स यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, आपके वीडियो का जो भी टॉपिक है उसके बेस में यहाँ से आप कीवर्ड ले सकते हैं। जो भी टैक्स सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ एक सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सर्च करा AI टॉकिंग अवतार ट्यूटोरियल, तो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा टैक्स दे दिया। और टैक्स के सामने इसने मुझे कंपटीशन भी बता दिया कि किसका क्या कंपटीशन है। आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, अगर आपको सर्च वॉल्यूम देखना है तो सर्च वॉल्यूम भी ये बता देगा। दोस्तों आप मेटा या ऐसे भी कर सकते हैं टैक्स, और यहाँ से भी टैक्स ले सकते हैं। अब मैं कुछ टैक्स यहाँ से कॉपी करके स्टूडियो एप्लीकेशन में जाके उस वीडियो के नीचे पेस्ट करूँगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के रिलेवेंट कुछ टैक्स यहाँ पर डाल दिए है, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। अब आपको भी इसी तरह टैग डालने हैं। अब दोस्तों टैक्स डालने के बाद आप और नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आपकी वीडियो कॉमेडी से रिलेटेड है तो यहाँ कॉमेडी चूज़ करेंगे, अगर आपकी वीडियो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो एंटरटेनमेंट चूज़ करेंगे, अगर आपकी वीडियो गेमिंग से है तो गेमिंग चूज़ करेंगे। हर तरह की कैटेगरी यहाँ है, कैटेगरी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत कैटेगरी चूज़ करी तो आपकी वीडियो गलत ऑडियंस तक जाएगी और वापस बैक आ जाऊँगा। वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैक्स तीनों डाल दिए हैं। अब जो सबसे मेन काम रह गया है वो है थंबनेल। थंबनेल भी हम AI की मदद से ही बनाए गए। YouTube वीडियो को रैंक कराने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो एक आई ग्रैबिंग और एंगेजिंग थंबनेल होता है, क्योंकि दोस्तों अगर लोग थंबनेल में क्लिक करेंगे तो आपका CTR बढ़ेगा, और CTR बढ़ेगा तो यूट्यूब आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को भेजेगा। तो फ्रेंड्स एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए हम दो वेबसाइट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना कि आपकी वीडियो किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है टॉकिंग AI अवतार पे, अब दोस्तों इस टॉपिक में सिमिलर ही काफ़ी वीडियो होगी, उनमें से आपको एक ऐसी वीडियो देखना जिसका व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हो और थंबनेल भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा हो। तो उस थंबनेल का लिंक पहले कॉपी करना है और उसे डाउनलोड करना है। और दोस्तों थंबनेल किस तरह से डाउनलोड करते हैं इसके ऊपर YouTube में काफ़ी वीडियो बनी हुई है। दोस्तों सिंपली आपको 3 डॉट में क्लिक करके उस वीडियो का थंबनेल का लिंक कॉपी कर लेना है। थंबनेल का लिंक कॉपी और डाउनलोड करने के बाद आपको एक वेबसाइट में आना है। मेरा थंबनेल पहले डाउनलोड हुआ हुआ है और वहाँ पर सर्च करना है इमेज टू प्रॉम्प्ट। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में आके अपना अकाउंट बना लेना है और image2prompt.com में क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट में एंटर होने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और आपने जो भी थंबनेल डाउनलोड करा हुआ होगा उसका फ़ोटो यहाँ गेट अ प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ से एक इमेज ली, यहाँ से मुझे 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पर ये मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। तो दोस्तों ये थंबनेल यहाँ पर आ चुका है। अब आपको नीचे जाना है और नीचे जाना है। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी किस तरह से करेंगे, इसमें आपको अपनी फिंगर होल्ड करनी है और यहाँ से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर देना है। कॉपी करके इस वेबसाइट से बाहर आ जाना है। अब दोस्तों थंबनेल का कॉपी करने के बाद आपको एक और वेबसाइट सर्च करनी है। अब दोस्तों इस वेबसाइट में जो थंबनेल बन के आएगा वो बिल्कुल SD क्वालिटी में आएगा आपके सामने। आपको यहाँ पर सर्च करना है leonardi.ai। लियोनार्डो की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको फ्री में भी यूज़ करते तो आपको डेली के 150 कॉइन मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम अपना थंबनेल बनाएंगे जो आपको लेफ्ट में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ सेकंड ऑप्शन है इमेज क्रिएशन का, उसमें मैं जाऊँगा। अब जो मैंने इमेज टू प्रॉम्प्ट से जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी करा था वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए थंबनेल बना रहे हो तो यहाँ पे आप 16:9 चुनेंगे। उसके बाद जो यहाँ सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंट स्टाइल, उसको सिनेमैटिक करेंगे। तो ये दो ऑप्शन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है।
तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास यहाँ पे 4 इमेज आ चुकी है। अब इनमें से मैं एक इमेज डाउनलोड कर दूंगा और वो अपने थंबनेल में यूज़ करूँगा। जैसे मुझे ये वाली इमेज पसंद आई, अब मैं इसमें क्लिक करूँगा। अब डाउनलोड करने के लिए नीचे जो एरो का ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, उसमें क्लिक करना है। तो फाइनली अब हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें पिक्सेल लैब से आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐड एलिमेंट करना है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ डेमो के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है फुली ऑटोमेशन मोड में। अब मैं इसे यूज़ करूँगा। अब मैं अपने वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन में जाऊँगा और फाइनली अब मैं वो वाला थंबनेल इस वीडियो में लगाऊंगा। अब आपको थंबनेल लगाने के लिए वापस पेंसिल के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर पेंसिल के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे कस्टम थंबनेल में जाऊँगा। और फाइनली मैं वो वाला थंबनेल ले लूँगा। अब मैं यहाँ डन कर दूँगा। दोस्तों फाइनली हमारा थंबनेल यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों हमने फाइनली AI से यूज़ करके टाइटल भी हमने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया हमने, उसके बाद हमने टैक्स भी हमने AI की मदद से लगाए और AI की मदद से ही हमने अपना थंबनेल लगाया। मतलब ये वीडियो मैंने फुली ऑटोमेशन मोड में करी है। दोस्तों जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे मोनेटाइज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऑफ है, अब इसको ऑन कर देना आपको। और शुरुआत में आपको अनलिस्टेड ही रखनी है, लेकिन अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है तो अब इस अनलिस्टेड को हटा के पब्लिक कर देना है। अब पब्लिक होते ही आपकी वीडियो एकदम पब्लिक हो जाएगी YouTube में। फाइनली आपको यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। अगर आपका फेसलेस YouTube चैनल है या फिर अगर आप कैमरे के सामने वीडियो बनाने में अनकंफर्टेबल है, इस तरह से आप AI टॉकिंग अवतार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से AI का यूज करके अपनी YouTube वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।